इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, अगर पुराने पेपर एनालिसिस करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। पुराना पेपर देखते हैं तो यहाँ पे देखो DLR के अंदर ये S2 लिखा हुआ है, स्लॉट 2 वॉज इक्वल टू स्लॉट 1 वॉज ग्रेटर देन स्लॉट 3। तो उस दिन पे जब आप पेपर लिख रहे होगे, ऐसा हो सकता है कि स्लॉट 2 का वर्बल एबिलिटी और स्लॉट 1 का वर्बल एबिलिटी वॉज ग्रेटर देन स्लॉट 3। इज इट इन योर कंट्रोल? आंसर इज नो, आंसर इज नो। स्लॉट 2 का एंड स्लॉट 1 का वॉज ग्रेटर देन स्लॉट 3। इज इट इन योर कंट्रोल? आंसर इज नो। क्वांट का स्लॉट 3 में धुएं निकल गए थे, वॉज ग्रेटर देन स्लॉट 1 एंड स्लॉट 3। इज इट इन कंट्रोल? आंसर इज नो। बट एक चीज याद रखना, आपका कोई ना कोई स्ट्रेंथ पक्का बनेगा, बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, एवरी कैंडिडेट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर कैट इज डिफरेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि सर मेरे को तो पहले आई एम अमृतसर दिखाना शुरू करो, आई एम अमृतसर कैसे बनेगा। ठीक है, हम आई एम अमृतसर की बात कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट सेक्शन, ऑर्डर में जाते हैं, पार्ट नंबर 2। फर्स्ट सेक्शन इज योर वर्बल एबिलिटी। नाउ वर्बल एबिलिटी के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, और आता है तुम्हारा दूसरा पार्ट विच इज कॉल्ड एज VA पार्ट, इसको बोलते हैं वार्क सेक्शन और VARC सेक्शन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 24। नाउ इफ यू रियली वांट टू किल कैट, यू टू अंडरस्टैंड दैट कि टू गेट अ 90% और अ 94% इन वर्बल एबिलिटी, इन फ्रंट ऑफ मी देयर गोइंग टू बी 16 क्वेश्चंस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ओनली 8 क्वेश्चंस ऑफ पैराजंबल्स, एंड यू आर एमिंग टू गेट अ 90% टू स्टार्ट विद। एक गांठ बांधना जब तुम प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, जो लोग कैट की फैमिली ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनको मैं बताता हूँ कैसे पढ़ना है, टुवर्ड्स द एंड आई स्पीक अबाउट दैट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे तुम्हें एक RC सॉल्व करना है और VA का 8 में से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पूरे करने ही नहीं है। एक RC सॉल्व करना है जो कि हमेशा ईजी आता है, और ये VA वाला पार्ट जिसके अंदर पैरा जंबल जाते हैं, पैरा समरी होते हैं, ये छोटे क्वेश्चन होते हैं, अनलाइक RC पैरा कंप्लीशन होते हैं, इनमें से 4 करना है। To your amaze, if you're able to solve 1-4 question of reading comprehension and 4 question of the verbal ability part, अगर आपके 8 question ठीक हो रहे हैं तो आपको आई एम अमृतसर के लिए तैयारी हो रही है। Are you guys with me? Yes or no? और एक RC हमेशा easy होता है, वो 40 मिनट के अंदर अपने को ढूंढ के सॉल्व करना है, quick 5-second check, yes or no? Are you guys with me? Cat loves nature, nature मतलब animals, पेड़ पौधे, चीता, cat loves animals by the way, octopus of the world, फिश ऑफ द वर्ल्ड, पिछली बार कटल फिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था, डॉग्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ चुका है, एलिफेंट का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ चुका है, ये सारे पेंगुइन का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ चुका है, नेचर वो नैट जियो वाला। हाँ, तो ये टॉपिक हमें और भी देखने हैं। दूसरा होता है लिटरेचर, लिटरेचर ग्रामर, इंग्लिश कैसे बनी, ग्रामर पूछते नहीं है पर लिटरेचर बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तीसरा फिलोसफी बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कैसा ह्यूमन सोचता है जब वो दुख दर्द में होता है, पीड़ा में होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इसको बोलते हैं फिलोसफी। ये 3 RC कैट के अंदर फेवरेट है। एक और RC जो कैट के अगर 10 साल का पेपर एनालिसिस करोगे आपको दिखेगा, साइंस बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये टॉपिक्स आते हैं, ये मेजरली टॉपिक्स हैं। बाकी जितने अलग अलग टॉपिक्स पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलना शुरू हो जाएगा कि ज़्यादा टॉपिक है नहीं यार कैट के अंदर। इस सेक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज डेटा इंटरप्रिटेशन इज द सोर्स ऑफ सक्सेस एज अ ह्यूमन बींग ऑन दिस अर्थ एज वेल। जब आप कोई बिजनेस स्कूल ज्वाइन करेंगे उसको जाके आपको सीधा मैनेजर बनाया जाएगा। वंस दे पुट यू टू मैनेजरियल जॉब, व्हाट यू डू इज यू टेक केयर ऑफ द टीम। से आप सेल्स का जॉब कर रहे हैं, आपके नीचे लोग होंगे तो यू विल बी यूजिंग एक्सेल शीट्स। वो एक्सेल शीट के अंदर जब आपके नीचे 3 से ज़्यादा लोग होने शुरू हो जाते हैं तो यार एक एक्सेल शीट में पेपर पेन से काम नहीं होता है, PPT में काम नहीं होता है, यू विल बी वर्किंग ऑन एक्सेल शीट्स। और वहाँ पे आप बैठ के ग्राफ बनाओगे कितना किसका प्रमोशन करना है, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन ये राम का है इन द एंटायर कंपनी, कितना श्याम का है, कितना हमारे राहुल का है, कितना हमारे सुमित का है, कितना अलौकिक का है, कितना कृष्ण का है। सो यू नीड एक्सेल शीट्स फॉर श्योर, सो स्पेंड टाइम ऑन एक्सेल शीट्स एज वेल इफ यू गाइस कैन लर्न एक्सेल। बट द सेम टाइम DILR के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे अभी तक वो पूछ रहा है सीटिंग अरेंजमेंट, स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम्स, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। ये पिछले 3 साल से वो स्टैंडर्ड लाइन ग्राफ, बार ग्राफ आना थोड़ा कम हो गया है, बट वो पढ़ना बहुत जरूरी है। इफ़ आई हैव टू गिव यू प्लान ऑफ एक्शन टुडे, वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ, यू शुड ओनली फोकस फर्स्ट 1 week ऑन डूइंग वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ क्या होता है यार, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, कोई भी चीज़ कितना रेट उसका इंक्रीज हो गया, कितना कम हो गया, राइट? वैदिक मैथ के अंदर आप स्क्वेयर्स भी याद कर सकते हो, स्क्वेयर्स इज नॉट वैदिक मैथ, पर अगर आप याद करते हो तो स्पीड मैच हो जाता है। स्क्वेयर्स क्या कितने होते हैं, 1 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर, यहाँ से लेके मिनिमम 20 तक के आपके पास स्क्वेयर याद होने चाहिए। यू कैन ऑल्सो लर्न क्यूब्स, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ये पहले कर लेना, एंड में जाके तुम ये सब चीज़ें अगस्त सेप्टेम्बर मंथ में नहीं कर रहे होने चाहिए। हाँ, एंड में जाके अपन क्यूब्स कर रहे हैं। यस साक्षी, आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। क्यूब्स का फायदा जो भी चीज़ हो आप अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हो और बहुत ही बड़े तरीके से फॉलो कर सकते हो।
वन मोर थिंग विच यू हैव टू लर्न इफ यू रियली एमिंग फॉर क्रैकिंग कैट. मैं आपको 99% अलग दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा रुको, थोड़ा बताता हूँ मैं आपको. तो यार वहाँ पे क्या होता है कि यार जो भी बंदा कैट क्रैक कर पाता है उसको रेशियोज भी आती हैं. वन बाय वन कितना होता है, 1/1 इज 100%, 1/2 इज 50%, 1/3 इज 33%, 1/4 इज 25%, सिमिलरली 1/6 इज 16.66%. ये क्यों याद करवा रहा हूँ मैं तुम्हें, क्यों ये बेकार चीज़ें कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा है इसका यार. कैट में कैलकुलेटर दिया होता है यार, कैलकुलेटर दिया होता है, पर अप्रॉक्सीमेशन और कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है. दिस सेक्शन टेक्स अ लॉन्ग टाइम, ठीक है. आई एम ऑन द सेकेंड पार्ट राइट नाउ. फर्स्ट पार्ट वॉज गोल सेटिंग, सेकेंड पार्ट इज द वेरियस सिलेबस ऑफ कैट. इसमें परसेंटेजेस, रेशियोज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. इफ़ यू आस्क मी सर फटाफट पेपर बता दो यार, ये दो टॉपिक कर लो, 16 क्वेश्चन 22 में से इसमें से आते हैं. इस बार आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, क्या पिछले 10 साल से ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है. मोर देन 50-60% ऑफ द एंटायर पेपर इज अर्थमेटिक एंड एल्जेब्रा. ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज पेपर सेटर बोलता है भाई ये वाले सारे टॉपिक ना तुमने 10th के पहले पढ़े हुए हैं, एक दो छोड़ के, मैक्सिमम मिनिमम छोड़ के, बाकी 10th के, इनफैक्ट 12th के पहले सबने पढ़े हुए हैं. तो ये वाले टॉपिक सबने पढ़े हुए, इसलिए हम आपको टेस्ट करेंगे. ज्योमेट्री में कई लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह नहीं पढ़ी होती. नंबर सिस्टम में HCFLCM पढ़ा होता है, पर बाइनोमियल थ्योरम, यूलर थ्योरम, फोरियर थ्योरम मुश्किल वाला टॉपिक, 11वीं 12वीं बायो वाले लोगों ने नहीं करी होती है. सेट थ्योरी, वेन डायग्राम अच्छे से नहीं किया होता है 10वीं के पहले, तो उसको ये पता है कि ये कम देंगे. अगर मैं पेपर बताऊं पिछली बार का और इस बार का भी एक्सपेक्टेड पेपर ऐसे ही होने वाला है, पर ज्योमेट्री के दो सवाल आते हैं, नंबर्स के दो सवाल आते हैं, मॉडर्न मैथ्स के दो सवाल आते हैं. नाउ हम बात करते हैं आई एम अमृतसर कैसे जाना है. कुछ मत करो, पहले 15 डेज में ये खत्म करो, 15 डेज में ये खत्म करो, एंड देन यू गाइस कैन फॉलो ज्योमेट्री एंड नंबर सिस्टम मेथड. पहले इससे स्टार्ट करना, इस पे मत लगे रहना एक महीना हो गया सर मैं यही बैठा हूँ यही वाली चीज़ करते जा रहा हूँ. नो 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 नो, एम जो पेपर के अंदर आने वाला है.